नमस्कार, आज हमारा टॉपिक है वर्त और उसकी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं, वर्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। वर्त आप जानते हो पहले से, अब बात करते हैं स्पर्श रेखा के बारे में। नाम से मालूम चल रही है कि ऐसी रेखाएं जो क्या करो, वर्त को स्पर्श मात्र करती हो, सिर्फ यानी कि टच। जैसे मान लो आप दीदी से ये रेखा होगी, ऐसे अब इसको देखने से मालूम चल रहा है क्या कर देंगे, जिस रेखा में क्या कर रही है, जिस वर्त को क्या कर रही है, वो छेद कर रही है, मतलब उसके आर पार जा रही है। इस प्रकार की रेखा तो कहलाती है छेदक रेखा, कहलाती है क्या, कहलाती है छेदक रेखा। हमें किसकी बात करनी है, स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब है देखो, आप देखो कि ये रेखा क्या कर रही है, इस वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो पर। तो इसलिए क्या हो गया, छेद। अगर कोई रेखा वर्त की परिधि को या वर्त पर सिर्फ एक बिंदु को ही प्रतिच्छेद करे, क्या करे वो, सिर्फ एक ही बिंदु को क्या करे वो प्रतिच्छेद करे, तो क्या होगी हमारी, क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब हम कह सकते हो जीवा, जिस मान लो कि ये जीवा है, ऐसे ये रेखा मानो कि धीरे क्या हो रही जा रही है, क्या हुआ जीवा की क्या लंबाई कम होती जा रही है। जब जीवा की लंबाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो जीवा क्या बन जाती है, उसके लिए हमारे पास क्या रहती है, वो स्पर्श रेखा बन जाती है। ठीक है, इसे भी आप कह सकते हो। फिर देखो अब स्पर्श रेखा के अंदर गुण क्या होता है, उसकी बात हमारे प्रमेय है, उसके बारे में बात कर लेते हैं सीधे। जैसे पहली प्रमेय हमारी कि तिरजा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, होती है। जिसे कहने का मतलब क्या है, सवाल कह देखो ये हमारी प्रमेय है, अच्छी प्रमेय, लगभग प्रमेय आदि आधे सवाल इसी से हो जाएगा, पूरी प्रसाद से मान लो ये होगा केंद्र हमारे पास क्या हो, ये मान लो आपके पास क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये क्या हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे दिया मान लो मैंने क्या, एक्स वाई दे दिया। ये एक बिंदु है हमारे पास क्या, पी है, नाम क्या दिया इसका, बिंदु का नाम पी दे दिया मैंने इसको, है ना। इस बिंदु पी पर क्या कर रही है, एक्स वाई इसको स्पर्श कर रही है, यानी कि बिंदु पी पर क्या कर रही है, एक्स वाई इसको प्रतिच्छेद करती है। फिर क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, केंद्र, केंद्र को जब मैंने क्या किया, स्पर्श बिंदु को मिलाया, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि हमारी त्रिज्या, त्रिज्या कौन सी है, OP, स्पर्श रेखा कौन सी है हमारी, एक्स वाई। त्रिज्या जो क्या है स्पर्श रेखा पर, क्या है, 90 डिग्री कॉर्नर, यानी कि लंब है, यानी कि OP लंब है किस पर, एक्स वाई, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। उससे पहले हम बात करते हैं, ये सपोज करो कि खेत में हमारा एक घर है, जिसे मान लो कि ऐसे ये हाईवे निकल रही है पास में, तो आपने क्या किया, घर का यहाँ घर बना लिया आपने, सपोज करो कि वो आगे के आगे है हमारे पास, आपने यहाँ पे गेट देख लिया, यहाँ पे क्या हमारा गेट है, यानी घर से निकलने के बाद यहां से आपको क्रॉस करना पड़ता है। आप सबसे काम पहले क्या करोगे, आप चाहोगे कि सबसे पहले क्या करें, सीधे रोड पर पहुंच जाए, इस प्रकार आप सड़क पढ़ना चाहोगे कि आप क्या घर से निकलो, सीधे किसे पहुंच जाए, रोड पर पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे, फिर बिल्कुल सीधा किसे रोड बना दोगे, आप ये सोचोगे कम दूरी में क्या करो, सीधे रोड पर पहुंच जाओगे, ये तो काम करोगे। अब वैसे वो ये दूरी क्या छोड़ लेगी आपको, आप सोचोगे नहीं इधर थोड़ा सा बनाते करो, ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, मान लो सपोज करो ऐसे बनाते जाएंगे। अब देखो ध्यान से, इनमें से छोटी सबसे दूरी कौन सी होगी आपके हिसाब से, छोटी दूरी बिल्कुल सीधी होगी, यानी कह सकते हैं कि वो क्या करेगी, इस पर क्या बनाती हो, 90 डिग्री का कोण बनाती। इसका मतलब कि आप सीधे रोड तक पहुंचना चाहते हो, तो सबसे छोटी दूरी वही होगी जो क्या होगी, इस सड़क पर क्या होगी हमारे पास से, और इस वाले से क्या हो, लंब हो, क्या हो, लंब। इसका मतलब सबसे छोटी दूरी हमारी क्या होती है, लंब होती है, सबसे छोटी दूरी क्या होती है, लंब होती है। इसका यूज यहां करते हैं, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हमें,
कि केंद्र ओ वाले वक्र की स्पर्श रेखा x वाले बिंदु P पर प्रतिच्छेद या कह सकते हैं कि स्पर्श करती प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। त्रिज्या कौन है? ओ पी, ये ले लिया ओ पी लंब है किस पर? एक्स वाले पर। ये हम सिद्ध करके दिखाएं। फिर बात करते हैं रचना, रचना में हमने क्या किया, एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु मान लो कि मैंने लिया क्यू लिया तथा क्यू को ओ से मिला, एक बिंदु मैंने और ले लिया मान लो कि वो बिंदु मैंने यहां ले लिया क्यू, जस्ट इसके पास भी हो सकता है, पोटेंशियल नहीं हम दोनों लेने के बाद नहीं, जस्ट इसके पास मान लो ये बिंदु है पी, ये आपके पास हो गया। अब बात करते हैं उपय, अब देखो ध्यान से कि एक्स वाई के बिंदु पी के अलावा सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे। अब देखो ये बिंदु P क्या है? वृत्त के बाहर स्थित होगा। एक सिर्फ कौन? P। P को छोड़ के बाकी सारे क्या है? बाहर है। तो P तो क्या है? सिर्फ वृत्त के ऊपर है। और मान लो ये भी मान लो वृत्त के ऊपर होता तो ये बिंदु को कि ये वाली रेखा क्या करती? इस वृत्त को दो बार प्रतिच्छेद करती। स्पर्श रेखा ना होकर क्या बन जाती? छेद रेखा बन जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु क्या होगा? वृत्त के बाहर स्थित होगा। इसलिए क्या होगा हमारे पास कि ओ पी छोटा होगा किससे? ओ क्यू से। सही ना? यानी कि एक्स वाई के बिंदु पी के अलावा सभी बिंदु वृत्त के बाहर क्या होंगे? स्थित होंगे। इसलिए क्या होगा? ओ पी यानी कि छोटी ओपी से ओ क्यू, यह स्थिति एक्स वाई के सभी बिंदु पर लागू होगी। कहने का मतलब कि मान लो एक्स वाई पे कोई बिंदु और होता उसको ओ से मिलाते तो फिर वो जो दूरी आती है और उस बिंदु के बीच की दूरी वो हमेशा बड़ी होगी से ओ पी से। अब देखो ये ओ पी क्या हो रही है? इसके सारे बिंदुओं से सबसे छोटी दूरी कौन सी हो रही है? ओ पी हो रही है। हमने अभी समझाया था सबसे छोटी दूरी कौन सी हम प्राप्त हो रही है? ओ पी प्राप्त हो रही है। बाकी सारे क्या वक्त के बाद स्थित होंगे बिंदु से वो सारी दूरियां क्या होगी? ये बड़ी होगी। अब हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब क्या? सबसे छोटी दूरी कौन सी प्राप्त हो रही है? ओपी। ये ओपी क्या होगा? एक्स वाई पर प्राप्त हो जाएगा हमें लंब। ये भाषा के रूप में लिखना होगा ये स्थिति एक्स वाई के सभी बिंदु पर लंब होगी अर्थात केंद्र ओ की एक्स वाई के सभी बिंदुओं से सबसे छोटी दूरी पी से होगी जबकि हम जानते हैं कि सबसे छोटी दूरी क्या होती है? लंब होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि OP लंब है किस पर? X Y पर। ये हमें सिद्ध करना था, भाषा के रूप में ही है ये सारा सर। अब इसी का उल्टा
अब देखो इसके विपरीत, देखो विलोम देखो, अब की बात क्या है। अब पहले तो क्या था कि हमें सिद्ध करना था कि ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर। अब की बात उल्टा है कि अगर मान लो कि ओपी लंब है किस पर, एक्स वाई पर, तो सिद्ध करके दिखाओ कि ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। अब इस प्रश्न के लिए बारे में क्या करेंगे कि वक्त पर, वक्त के किसी बिंदु, इस मान लो वक्त पर बिंदु कौन सा हमारा पी, किसी बिंदु से त्रिज्या के लंबवत या त्रिज्या पर कह सकते हो लंब, त्रिज्या पर लंब रेखा वर्त की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है। अब की बार हमें दिया कि ओपी क्या है, लंब है किस पर, एक्स पर। पहले देते हैं दिया है केंद्र ओ वाले वर्त की त्रिज्या, ओ पी लंब है किस पर, एक्स पर, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एक्स वाई वक्त की स्पर्श रेखा है। फिर बात करते हैं रचना, रचना में क्या करेंगे, एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु Q को O से मिला है, ठीक है, ये तो वो वैसे ही सेम वाला वैसे हमने किया था। अब बात करते हैं उपपत्ति की। अब देखो सिर्फ P को छोड़ के बाकी सारे बिंदु क्या आने वाले हैं, सारे के सारे क्या होंगे, एक्स वाई पर जो बिंदु जितने भी होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, वर्त के बाद होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ओपी क्या होगी, यानी कि बाकी सारी दुनिया से क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है, बाकी सारी दुनिया से क्या होने वाली है, छोटी, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबवत दूरी ही सबसे क्या होती है, छोटी दूरी होती है, लंबवत दूरी क्या होती है, सबसे छोटी दूरी होती है। तो हम ये सीखते हैं यहां OP छोटा होगा OQ से, तो क्या लिख सकते हैं, इसका कारण क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि किसी बिंदु से, किसी सरल रेखा पर डाला गया लंब, सरल रेखा के सभी बिंदुओं को उस बिंदु से मिलाने से प्राप्त रेखाखंडों में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। बस यही भाषा है कि किसी बिंदु से, मान लो बिंदु कौन सा है O, किसी बिंदु से किसी सरल रेखा, मान लो एक्स वाई पर डाला गया लंब, लंब कौन है हमारा OP, उससे सरल रेखा डाला गया लंब, सरल रेखा के सभी बिंदुओं को उस बिंदु से मतलब O से मिलाने से प्राप्त रेखाखंड, इस मान लो कि OQ से प्राप्त रेखाखंड में सबसे छोटा होता है, कौन छोटा होता है, लंब छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू क्या दूरी बड़ी होगी से ओपी से, अर्थात यानी कि क्यू सहित, क्यू सहित यानी कि एक्स वाई के सभी बिंदु वर्त के बाहर अस्तित्व होंगे, इसलिए एक्स वाई वर्त की स्पर्श रेखा होगी,
इसलिए एक्स वाई की क्या है, एक्स वाई वक्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ये हमें सिद्ध करना था। अब जो इसकी तीसरी प्रमेय, ये कह दे कि वक्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, वक्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उसके बाद करते हैं। अब मैंने बाल आप बताया था कि एक स्पर्श रेखा वक्त की प्रीति को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी जो क्या करो, वर्त की प्रीति को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे रेखा, वो क्या कराती है, स्पर्श रेखा कराती है। अब देखो वर्त की प्रीति पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं। जब अनंत बिंदु है तो प्रत्येक बिंदु से क्या हुआ, एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है। इसलिए क्या हुआ, एक वर्त की प्रीति पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। फिर इसके बाद देखो आप कि वर्त की प्रीति पर क्या हुआ, परस्पर परस्पर दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ये वाली इसके समांतर हो सकती है। इसके बिंदु सामने एक ही बिंदु होगा, जो आमने सामने होगा उसे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा, और हमें दो स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, फिर देखो सवाल ऐसा भी हो सकता था कि हमें कह दे कि एक वर्त है, वो वर्त के मान लो कि बाहर कोई बिंदु है, इसमें बाहर कोई बिंदु है, मान लो ऐसे यहां पर कोई बिंदु है पी। अब हमसे पूछ रहे कि इस बिंदु P से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस बिंदु P से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि हम देखते हैं कि सपोज आपके पास दो प्रकार की लकड़ी है, मान लो यहां एक लकड़ी ये रही, दूसरी लकड़ी ये रही। अब धीरे धीरे क्या किया आपने, इसको पास मिलाया ऐसे, ठीक है, पास में आते थे क्या लास्ट में होकर इसे टच करेंगे, मान लो इसने क्या किया, उसको टच किया ऐसे, ठीक है, उसने इसको टच किया यहां भी, वैसे क्या हुआ ये भी धीरे आता है क्या, लास्ट में इसने भी इसको क्या किया, टच किया इस प्रकार। अब देखो उसके बाद देखो क्या वो, यानी कि मान लो लोहे की तार, मान लो ये बना हुआ सर्कल है, क्या वो उसके बाद यानी कि और अंदर जा सकती है क्या। अब सिर्फ एक ये बिंदु पर क्या करेगी, इसको टच करेगी, अगर मान लो थोड़ा सा भी अंदर आएगी तो क्या हुआ, ये वाली जो रेखा है इसको क्या करेगी, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देगी, सेम सिचुएशन नीचे वाले होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ बिंदु भास्तविक बिंदु से क्या हुआ, वर्त पर केवल केवल क्या हुआ, हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जहां ए पी और ए बी पी है। यानी कि वर्त के वास्तविक एक बिंदु से हम वर्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और ये बिंदु मान लो अंदर होगा पी, तो क्या हम इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, कहीं भी नहीं खींच सकते। करते वापिस उल्टी आती है तो क्या होता, इस वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्त के बाहर स्थित जो बिंदु है उससे हम केवल और केवल क्या दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब हमारे प्रमेय यह है कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाइयों में समान होती है। तो ये हमारे प्रमेय है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बना लिया कि एक वर्त कहां से, ये हमारे पास क्या एक वर्त है, यहां बाहर स्थित कोई बिंदु है P, इस बिंदु P से क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, दो जो स्पर्श रेखा खींच दी, इन स्पर्श बिंदु को नाम दिया A और B दे दिया, ये हो गया केंद्र, इसका O हो गया। सबसे पहले दिया है, क्या दिया कि केंद्र ओ वाले वर्त की बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं एपी व बीपी है। फिर उसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए पी बराबर क्या है, बी पी है। अब बात करते हैं रचना, रचना में क्या करेंगे, ओ को ए बी और पी से मिला है, क्या काम किया, इससे भी मिला दिया, इससे भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया। अब बात करते हैं उपपत्ति की,
अब देखो त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी, ए ओ पी वह त्रिभुज है, बी ओ पी दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, हमें सिद्ध करना है ए के बराबर क्या है बी। अगर मैं ऐसे करता हूं कि दोनों त्रिभुजों को समांतर सिद्ध कर दूं, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर बी पी हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी कांड क्या लिखोगे, ए की वर्ग की त्रिज्या, ठीक है। फिर तो यही तो क्या है त्रिज्या और ये क्या है इसकी स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। इसका मतलब कोण ओ ए पी बराबर है कोण ओ बी पी बराबर है 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है लंब होती है। अब उसके बाद देखो ओ पी बराबर क्या है, ओ पी कांड क्या लिखोगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज देखो ये क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है समान समकोण त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण वाले समभुजा कुछ नहीं हमारी कर्ण होगी, एक तो दोनों में क्या कर्ण बराबर है, एक तो दोनों में क्या है कर्ण है बराबर है, दूसरी एक भुजा हमारे पास बराबर है आ गई। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा बराबर होती है, तो क्या होता है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं समांतर सम होते हैं, लेकिन कौन से नियम से समांतर समता के आर एच एस नियम से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समांतर सम, इसलिए क्या हुआ समांतर सम का मतलब सारे कोण बराबर सारी भुजाएं बराबर, एक भी बराबर क्या हो गया बी पी, कारण क्या लिख दोगे समांतर सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है, ये तो हमें सिद्ध करना था। अब देखो इसके आधार पर एक छोटा सवाल बनता है उसकी बात कर लेते हैं, कभी कभार एक नंबर का सवाल पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, जैसे ऐसे कह दिया कि एक वर्त है एक भारे बिंदु से क्या हुआ उस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, मान लो इससे खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, उसको नाम दे दिया मैंने ए पी। इस स्पर्श रेखा की आपको लंबाई देते हैं, इस आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दे दे, इसे आपको कह दिया कि 4 सेमी है, ठीक है। फिर आपको केंद्र होगा इसका ओ, फिर कहते कि भार स्थित बिंदु की केंद्र ओ से दूरी आपको दे दे, वो मान आपको दे दी 5 सेमी, क्या दे दी 5 सेमी दे दी। और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि तो इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, इस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो, इस वर्त की त्रिज्या कौन है ओ ए है, ओ ए हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए लंब होगा किस पर ए पी पर, सही है। कारण क्या हो गए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, यानी ये कोण क्या हो गया हमारे पास से 90 डिग्री हो गया। तो फिर देखो आप क्या लिख सकते हो कि समकोण त्रिभुज कौन सा ए ओ पी है, कर्ण और कोण होगा ओ पी स्क्वायर, बाकी भुजाएं कौन सी है ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, इसका मान हमारे पास है 5 की स्क्वायर, इसका मान हमें याद करना है, इसका मान आपको 4 दिया, 4 की स्क्वायर कितना हुआ 25, ये प्लस पे जाए तो क्या हुआ माइनस का बराबर में OA स्क्वायर का घटाया कितना है 9, तो OA बराबर क्या आ जाएगा 9 का वर्ग, यानी कि OA का मान कितना आया 3 सेमी, मतलब त्रिज्या कितनी होगी 3 सेमी। ये सवाल आ सकते हैं इनमें से आप इस समय 3 भुजाएं, तीनों में से क्या आपको 2 भुजाएं दी होगी, आप क्या करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है, उसका यूज करते हुए आप लगाओगे पाइथागोरस से प्रमेय,
आयतक उस प्रमेय का प्रयोग करके किस चीज निकाल सकते हो? तीनों में से कहा दो चीज, आपको ये भी कह सकता था कि इसका मान दे देता आपको तीन या चार, और हमसे पूर्णता स्पष्ट रेखा की लंबाई याद कीजिए, ऐसे भी हो सकता है। और मान लो आपको ये भी दे देता चार यदि आपको तीन से भी, और हमें कह देता कि केंद्र की उस बिंदु से क्या दूरी ज्ञात करो, मतलब तीन में से आपको दो मान दिए होंगे, आपको तीसरा मान निकालना होगा।